नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई है। 28 अगस्त को सुनवाई में कोर्ट ने आर्टिकल 35A को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया। CJD Y चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार मिले थे, लेकिन इसी आर्टिकल के कारण देश के लोगों के 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। इस आर्टिकल की वजह से अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हनन हुआ। सोमवार को केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इसी हमले के बाद केंद्र को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे पूरी तरह भारतीय गणराज्य में मिलाने के बारे में सोचना पड़ा। तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से जम्मू कश्मीर में केंद्र के कई कानून लागू नहीं हो पाते थे। देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, लेकिन 370 की वजह से ये लागू नहीं हो पाया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबरी पर लाया गया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।